तो क्या हाल चाल सब, क्या आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों फिर से आपका बहुत स्वागत है मार्शियल गेमर नीलू में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के हैकर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ जिसमें यार हैकर ने मेरे साथ क्या किया और वो किस टाइप का हैकर था, वो भी आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये हैकर आ चुका है और इसका मूवमेंट स्पीड आप लोग एक बार देखो क्या है। और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही ज्यादा पुराना आईडी है, मैंने बहुत ही पुराना आईडी है और साथ ही बहुत सी चीजें हैं। तो यार ये मतलब एक प्रॉपर प्लेयर है और खेल रहे हैं आसानी से कहाँ से कहाँ जा रहा है आप लोग देख सकते हो, उसका मूवमेंट स्पीड देख सकते हो। मैंने वीडियो को जरा भी स्किप किया हुआ है, जो मैंने रिकॉर्ड की थी वैसे की वैसे अभी भी चल रही है। तो यहाँ पर बैटल ग्राउंड वन इंडिया में हैकर्स की बारिश हो चुकी है और जैसा कि मैंने आपको बोला आजकल यार गेम में हैकर नहीं है, थोड़ा सा गेम बचा हुआ है, देख सकते हो मार रहा है। और इस तरह के एक नहीं, मेरे पास बहुत सारे क्लिप है, मैं सबको प्ले करके दिखाऊंगा क्योंकि यार अगर जितना दिखाऊंगा उतना आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इन हैकर्स का फ्यूचर क्या है और क्या कुछ बैटल ग्राउंड वन इंडिया मतलब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया प्लान कर रही है इन हैकर्स को बैन करने में। आपको पता ही होगा कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के पास एक बैन डायरेक्टर है या जो बैन को डिटेक्ट करता है और वार्निंग वगैरह देता है, जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अभी दिखेगा द बैन पैन डिटेक्ट मतलब सिक्योरिटी सिस्टम है डिटेक्टेड योर अकाउंट। ये माउथ वायरस गेमिंग भाई से हमने लिया हुआ है, ठीक है, तो उनको तो बड़ा शाउट आउट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है, ये अब से मतलब बहुत से लोगों के डिवाइस पे दिखना चालू हो जाएगा, तो आपको डरने की बात नहीं अगर आपके अकाउंट में ये चीज दिख रही है तो। लेकिन हैकर्स को डरने की सच में जरूरत है क्योंकि गाइस अब लोग वो लोग हैक को डिटेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें 10 साल का परमानेंट बैन भी दे रहे हैं। 10 साल का बैन मतलब परमानेंट ही हो गया, 10 साल के बाद कौन ही आएगा गेम खेलने उस आईडी से। तो यार अगर आप अपनी मेन आईडी वगैरह से हैक वैक लगा के खेल रहे हो या खेलने की मतलब सोच भी रहे हो ना, तो वो भी भूल जाओ, आप लोग मत करो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यार आप लोग हैक लगाओ ही मत। पहले याद करो यार, ये बैटल ग्राउंड वाली जब था ही नहीं तो आप लोग क्या कर रहे थे। ये कुछ लालची लोग हैकर्स होते हैं जो यार कुछ पैसों के लालच में यार गेम को बर्बाद करते हैं, उसके बाद जब गेम बैन हो जाएगा ना फिर आप लोग बोलोगे यार गेम बैन हो गया, सरकार ने ये कर दिया, चाइनीज़ ऐप को बैन करके क्या होगा, ये करके क्या होगा, फिर आपकी कोई नहीं सुनेगा। सच्ची बता रहा हूँ, बिल्कुल भी कोई नहीं सुनेगा। तो आप लोग बस इतना सा ख्याल रखो मेरे भाई कि यार हैक वैक करके क्या होगा यार, अगर गेम खेल रहे हो तो लेजिट खेलो। हैक करके अगर आप मार भी दोगे तो यार होगा क्या आपको उससे, मतलब कुछ भी फ़ायदा बता दो आप एक भी, कोई भी लेजेंड प्लेयर के अगेंस्ट आप लोग खेल ही नहीं पाओगे। टूर्नामेंट पे अगर आप करके जाते हो तो यार उसमें भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यार आगे चल के आपको थर्ड पार्टी एक ऐप दिया जाएगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की तरफ से, जो यार आपको मतलब आपके गेम के बैकग्राउंड में रन करानी होगी जिससे आपका हैक वैक डिटेक्ट हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। तो वो चीज़ आप लोग समझ सकते हो कि ये सारी चीज़ करना बिल्कुल ही फालतू बात है। लेकिन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को यार क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आईपी एड्रेस को ही बैन कर दिया जाए कि अगर मान लीजिए कोई फ़ोन में अगर एक बार हैक यूज़ किया और वो डिटेक्ट हो गया तो उस फोन पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया चले ही ना। ऐसा बहुत से गेम्स में है, ऐसा मतलब मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ हो रहा है, आईपी एड्रेस का खेल पहले भी बहुत सारी गेमों में हो चुका है। और आप लोग को भी यार ये मतलब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को ये करना ना पड़ जाए उससे पहले आप लोग समझ जाओ मेरे भाई, क्या पता आपका भी आईडी परमानेंट बैन हो जाए और आपने उसमें बहुत सारा खर्चा कर रखा हो, बहुत सारी सीजन का रॉयल पास ले रखा हो। तो यार थोड़ा सा सुधर जाओ और मत करो। बाकी यार मैं सच्ची बोल रहा हूँ, रैंक पुश करने की सोच रहा था लेकिन अब मेरा मूड बिल्कुल ही चेंज हो गया है, रैंक पुश तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। बस इन फ्यूचर आपको अच्छे अच्छे गेम्स मतलब अच्छे अच्छे गेम प्ले देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको सरप्राइज़ देने वाला हूँ, मैंने एक फ़ोन लिया है, कौन सा फ़ोन है, क्या फ़ोन है, वो सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ उसमें कुछ गिववे भी है जिसका यार आप लोग बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो और वो गिववे जीत सकते हो। क्या कुछ है सारा वो सरप्राइज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। आपको वीडियो पसंद, वीडियो पर लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।